नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे चाय के बारे में। चाय तो हम सभी का पसंदीदा पेय है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चाय पीने के क्या क्या फायदे और नुकसान होते हैं? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि चाय कितने प्रकार की होती है और उनके सेवन से आपको कैसे लाभ और हानि हो सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि आप हमारे लेटेस्ट अपडेट्स और इंफॉर्मेटिव वीडियोस को मिस ना करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आप सबसे पहले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशंस पा सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चाय का वैज्ञानिक नाम कैमेलिया साइनेंसिस है। इसकी पत्तियों को पानी में उबालकर चाय बनाई जाती है। चाय में कई औषधीय तत्व मौजूद होते हैं, जो कैंसर, हृदय रोग, गठिया और मधुमेह के जोखिम को कम कर सकते हैं। चाय में कैफीन और टैनिन भी होते हैं, जो शरीर को ऊर्जा और ताजगी देते हैं। लेकिन चाय का अत्यधिक सेवन भी शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है, जैसे कि अनिद्रा, एसिडिटी, आयरन की कमी और दांतों का पीलापन। इसलिए चाय का संतुलित मात्रा में ही सेवन करना चाहिए। चाय के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि ग्रीन टी, ब्लैक टी, रास्पबेरी टी, अदरक वाली चाय, पुदीना चाय, लेमन टी और उलोंग टी। इनमें से हर एक के अपने अपने फायदे और नुकसान होते हैं, तो आइए जानते हैं उनके बारे में थोड़ा विस्तार से। सबसे पहले है ग्रीन टी। ग्रीन टी यानी कि हरी चाय कैमेलिया साइनेंसिस की पत्तियों से बनाई जाती है और इसे बिना दूध के ही पिया जाता है। ग्रीन टी में फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं, जो शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं। ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट्स की भी अच्छी मात्रा होती है और इसका सेवन शरीर में चर्बी को कम करता है और इसमें 70% कैलोरी को कम करने की क्षमता होती है। ग्रीन टी का सेवन करने से आपको कैंसर, हृदय रोग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और बदहजमी से बचने में मदद मिलती है। लेकिन ग्रीन टी का अधिक सेवन करने से आपको नींद ना आने, चक्कर आने, उल्टी, दस्त और गैस की समस्या हो सकती है। इसलिए ग्रीन टी को दिन में 2 से 3 कप से ज़्यादा आपको नहीं पीना चाहिए। अगला है ब्लैक टी। ब्लैक टी भी कैमेलिया साइनेंसिस की पत्तियों से बनाई जाती है, लेकिन इसे अधिक देर तक उबाला जाता है। इसका रंग काला होता है। ब्लैक टी में भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो शरीर को फ्री रेडिकल से बचाते हैं। ब्लैक टी का सेवन करने से आपके दांतों का स्वास्थ्य, हड्डियों की मजबूती, त्वचा की सुंदरता, रक्त संचार और इम्यून सिस्टम में सुधार होता है। लेकिन ब्लैक टी में कैफीन की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे आपको चिंता, घबराहट, दिल की धड़कन और रक्तचाप में बढ़ोतरी हो सकती है। इसलिए ब्लैक टी को भी दिन में 2 से 3 कप से ज़्यादा आपको नहीं पीना चाहिए। अगली है रास्पबेरी टी। रास्पबेरी टी रास्पबेरी के फल या पत्तियों से बनाई जाती है। इसका रंग लाल होता है। रास्पबेरी टी में विटामिन सी, मैग्नीशियम, पोटेशियम और फॉलेट पाए जाते हैं। इसका सेवन करने से आपको खांसी, जुकाम, गले की खराश, बुखार और गुर्दे की पथरी से राहत मिलती है। रास्पबेरी टी में एंटी इंफ्लामेटरी और एंटी बैक्टीरियल गुण भी होते हैं, जो शरीर को संक्रमण से बचाते हैं। रास्पबेरी टी का सेवन करने से आपको त्वचा की सुंदरता, बालों की चमक, आंखों की रोशनी और पाचन शक्ति में सुधार होता है। लेकिन रास्पबेरी टी का अधिक सेवन करने से आपको एलर्जी, दस्त, उल्टी और पेट में दर्द हो सकता है। इसलिए रास्पबेरी टी को भी दिन में 2 से 3 कप से ज़्यादा आपको नहीं पीना चाहिए। इसी तरह अदरक वाली चाय, पुदीना चाय, लेमन टी और उलोंग टी के भी अपने अपने फायदे और नुकसान होते हैं। आप अपनी पसंद के अनुसार इनमें से किसी भी चाय का सेवन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि चाय का संतुलित मात्रा में ही सेवन करें और अपने शरीर की ज़रूरतों के अनुसार पानी भी पिएं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।